कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें गुर्दे में पथरी बनने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी पथरियाँ बनती हैं, पेशाब के रास्ते से निकल जाती है या थोड़ी बहुत दवा करने से पथरी निकल जाती है, फिर कुछ दिन के बाद बनने लगती है। पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, बार बार इस तरह की पथरी बनती है, और कुछ में पथरी काफ़ी लंबे समय से बड़ी पथरी पड़ी होती है और निकल नहीं पाती। तो ऐसे पेशेंटों के लिए कहना चाहूँगा कि जिनमें बहुत बड़ी पथरी हो गई है, निकल नहीं पा रही है और गलने की स्थिति भी नहीं है, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, तो ऐसे लोगों के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराकर, ऑपरेट करा के उस पथरी को निकलवा लेना चाहिए, नहीं गुर्दे के खराब होने की संभावना रहती है। जिनमें 10 mm से छोटी पथरी है और निकलने की स्थिति में है, जैसे किडनी में है, अपर पोल में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में है, तो आसानी से सामान्य औषधियों से भी वो बाहर निकल आता है। कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ जो पथरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनका सेवन करने से आपको लाभ मिलता है। जैसे बृहद बरुड़ादि क्वाथ, बृहद बरुड़ादि क्वाथ प्रिपेयर्ड मार्केट में भी बना बनाया लिक्विड के रूप में भी आता है, सूखे पाउडर के रूप में भी आता है, जो आपको सुविधा हो मिल जाए उसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड में बृहद बरुड़ादि काढ़ा 20 ml सुबह शाम खाली पेट यदि हम लंबे समय तक सेवन करते हैं तो बार बार बनने वाली पथरी से निजात मिलता है और फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, छोटी पथरियाँ आसानी से बाहर निकल जाती हैं।